Hi guys, so this is your host Muskan from Mirza Properties. आज हम आपके प्रोजेक्ट लेकर आए हैं which is located in खारगढ़। प्रोजेक्ट की बात करें तो ये G+25 स्टोरी टावर है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर इज फॉर द पार्किंग। आपका सेकेंड फ्लोर पोडियम है जहाँ पे आपको बहुत सारी इम्यूनिटीज मिलेंगी। यू कैन हैव अ लुक जैसे कि स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, यू हैव किड्स पूल एज वेल, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, योगा एंड मेडिटेशन, जिमनेजियम, यू हैव ओपन कैफेटेरिया, कॉफ़ी कैफे है आपका यहाँ पे, यू विल हैव रूफ टॉप इम्यूनिटीज इज वेल। नाउ प्रोजेक्ट की और बात करें तो यू विल हैव ओनली 3 BHK एक्सक्लूसिवली, और 3 BHK इन पूरा रेजिडेंशियल टावर है हमारे यहाँ पे। 46 यूनिट्स है इन टोटल ऑफ 3 BHK, एंड हर फ्लोर पे यहाँ पे 2 units है, एक आपका ईस्ट साइड फेसिंग होगा, एक आपका टोटली वेस्ट साइड फेसिंग होगा। और एक और बात ये है हमारे प्रोजेक्ट की कि यहाँ पे यू बोथ द फ्लैट्स वोंट शेयर अ कॉमन वॉल, सो दे विल बी अ वेरी नाइस प्रिवेसी। आप लॉट म्यूजिक चलाना चाहे, आप डीजे करना चाहे, आप पार्टी करना चाहे, देर वोंट बी एनी डिस्टर्बेंस, आपको आराम से पूरी प्रिवेसी मिलेगी। प्रोजेक्ट की और बात करें तो यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो खारगढ़ सेक्टर 35 में लोकेटेड है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, यहाँ से आपको स्कूल्स है, काफ़ी वेल नोन स्कूल्स, DAV है आपका, विब्योर स्कूल है, यहाँ पे DMART है, 5 to 10 minutes ड्राइव पे आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, DMART, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। आपके यहाँ पे एयरपोर्ट है वो 20 minutes ड्राइव वे पे है, प्लस यहाँ पे अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है विच इज़ जस्ट 2 to 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस, एंड देन यू हैव ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज ऑल्सो 20 minutes ड्राइव अवे। सो देर आर लॉट ऑफ इम्यूनिटीज एंड देर आर लॉट ऑफ बेसिक जो आपको नीड्स चाहिए, दैट आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्रोसरी एंड जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मिल जाएंगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सैम्पल फ्लैट ऑफ 3 BHK। सो गाइस अभी मैं लॉबी में खड़ी हूँ, यहाँ पे हर फ्लोर पे आपको 2 flats मिलेंगे जो 3 BHK के हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द एक्चुअल फ्लैट ऑफ 3 BHK। उसका टोटल कार्पेट एरिया है 1000 square feet का। तो एज सून एज हमने यहाँ पर एंटर किया है, मुझे डोर की बात करनी है। हमारे डोरा डोर्स हैं यहाँ पे जो कि वाटर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, इवन फायर प्रूफ है। ना पासा के जरूर गए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रबर पूरा, इन्होंने रबर स्ट्रिप्स, रबर बैंड यहाँ पर पूरे सेटअप करके रखे हैं। वाई ये वैक्यूम क्रिएट करते हैं, अगर आप दरवाज़ा बैंग करते हैं, बैंग हो जाता है तो भी कोई इशू नहीं है, कोई क्रैक्स या कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो स्लाइड्स है, ये जो आप देख सकते हैं, ये भी आपके साउंड प्रूफ है। यहाँ पर आपको 3 feet की बालकनी मिलेगी। और ये हमने लिविंग हॉल में एंटर कर दिया है, सो दिस इज़ आर लिविंग हॉल। आप नीचे टाइल्स देख सकते हैं, इटालियन मार्बल की टाइल्स है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर टाइल्स है यहाँ पे। 21x10.5 का यहाँ पे एरिया है लिविंग हॉल का, विच इज़ रियली वेरी स्पेशियस, जो इतना नहीं मिलता है हमें इतना बड़ा। सो एंड जो आप हाइट देख सकते हैं यहाँ पर, आप हाइट देखिए, हाइट हमारी 11 feet की आपको मिलेगी। यहाँ पर 1.5 फीट का इन्होंने फॉल्स सीलिंग यहाँ पे डिज़ाइन अप किया है, लेकिन आपको 11 height की यहाँ पर हाइट मिलेगी 11 feet की। ना आप यहाँ पे सॉकेट्स वगैरह देखिए, घर पे जितने भी सॉकेट्स हैं सारे रोमा के हैं, 10 years की वारंटी है, पॉलीकैप की यहाँ पर वायरिंग है। सो जिन लोगों को ये सारी चीज़ें फीचर्स पता है, दे वुड गेट टू नो ईजिली। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, हमारा जो किचन है वो ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, उसके जस्ट सामने यहाँ पर 4 to 6 लोग आराम से यहाँ पर सिटिंग सेटअप कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं बहुत आराम से, एंड किचन पास में, सो दे डोंट हैव टू शफल अराउंड एवरी टाइम। अब यहाँ पे आप डोर बनाना चाहे या बना सकते हैं, वरना एक ओपन किचन सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है। नाउ किचन में हमने एंटर कर लिया है, यहाँ पे एल शेप का आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ब्लैक ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप टाइल्स देख सकते हैं, बीम लेवल तक टाइल्स है, और टाइल्स जो हमारी वो वेलवेट फिनिश की टाइल्स है। टाइल्स की बात करें तो दे आर ईजी टू वॉश, यूजुअली किचन में खाना हम बनाते हैं तो टाइल्स गंदी हो सकती है या हो जाती है मोस्टली, सो इट्स रियली ईजी टू वॉश देम। नाउ यहाँ पर हमारा है सिंक, काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपका सिंक है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटिंग्स जागवार की है, अगेन 10 years की वारंटी है, अगेन यहाँ पर जितनी भी फिटिंग्स है उसमें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सेटअप दिया है एक्वा वगैरह का, वहाँ पे भी आपको सॉकेट्स दिए गए हैं। प्लस इस साइड में आप देख सकते हैं 3 feet की आपको यहाँ पर भी बालकनी मिलेगी, प्लस यू विल हैव मॉस्किटो नेट एज वेल। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड हम जाते हैं अपने बेडरूम की तरफ।
नाउ ये है हमारा चिल्ड्रंस बेडरूम और गेस्ट बेडरूम और कॉमन बेडरूम। इसका जो एरिया है वो 10x10 का है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पर सेटअप करना है, आपका वॉर्डरोब, आपका बेड, आपका ड्रेसिंग टेबल, या फिर आपको स्टडी, अगर आपको स्टडी यहाँ पे करना है तो उसके लिए आप स्टडी टेबल सेटअप कर सकते हैं। अगेन हाइट यहाँ पे भी 11 की है। नाउ यहाँ पर भी आपको 3 feet की बालकनी मिलेगी विद मॉस्किटो नेट एंड दी स्लाइड्स। अगेन वाटर प्रूफ है यहाँ पे एंड साउंड प्रूफ है यहाँ पे जो स्लाइड्स है। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये हमारे पैसेज एरिया के जस्ट सामने यहाँ पर हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, अगेन वेस्टर्न स्टाइल का है। फिटिंग्स आप सारी देख सकते हैं, जागवार की है, 10 years वारंटी है यहाँ पे। वहाँ पर आपका वॉश बेसन आ जाएगा, यहाँ पे आपका गीज़र आ जाएगा। सो यहाँ पर आप गीज़र यहाँ पे उसकी भी पूरी इन्होंने सेटअप करके दिया है, आप कर सकते हैं। और ये हमारा ड्राई एरिया है। सो दिस ड्राई एरिया कैन बी यूज, आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, आपको यहाँ पर कपड़े सुखाने हैं वो कपड़े सुखा सकते हैं। टोटली ऑन यू आपको कैसे यूज़ करना है। नाउ वी विल बी एंटरिंग द मास्टर बेडरूम। तो ये हमारा बेडरूम है, इसका जो एरिया है वो 10x11 का है। यहाँ पे बहुत आराम से आपका किंग साइज़ क्वीन साइज़ बेड सेटअप हो जाएगा। आपका वार्डरोब यहाँ पे अरेंज हो सकता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं सॉकेट्स आपको दिए, स्पीकिन सेटअप, आप वॉल यूनिट लगा सकते हैं, आप टीवी सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे, आप ड्रेसिंग टेबल साइड टेबल, इनफ स्पेस है उसकी। अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाहर व्यू कितना अच्छा होगा। प्लस हमारे ईस्ट फेसिंग साइड का यहाँ पर फ्लैट है। यहाँ पर जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट है वो प्लॉट इसको मॉल, तो इन फ्यूचर यहाँ पे मॉल बनेगा। नाउ ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। अगेन अटैच्ड वॉशरूम में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी ड्राई एरिया मिलेगा, तो यहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हैं बहुत आराम से, यू हैव स्पेस। सो आपको यहाँ पे 2 ड्राई बालकनी मिल रही है। देखिए अब यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम है, वैसा ही है एंड साइजेस वॉशरूम के सेम है। यहाँ पे आप सेपरेट पार्टीशन बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। और फिटिंग्स अगेन सारी ब्रांडेड है, यहाँ पे आपका वॉश बेसन आ जाएगा। नाउ ये हमारा थर्ड बेडरूम। जैसे ही हम बेडरूम एंटर करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन आपको वॉशरूम मिल रहा है। यहाँ पे ये वॉशरूम है, आपको वहाँ पर वॉश बेसन आ जाएगा, वेस्टर्न स्टाइल का है। प्लस ये आपका शावर एरिया है, प्लस वेंटिलेशन की यहाँ पे विंडो दिया गया है। आप एग्जॉस्ट फैन भी सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे इफ यू वांट। देख सकते हैं टाइल्स भी यहाँ पे, जो भी टाइल्स है वो बाहर से इंपोर्ट हुई है इंडिया में, भीम लेवल तक हमारी टाइल्स हैं। टाइल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हमारे इंडियन टाइल्स नहीं है, इंडिया से नहीं। नाउ ये जो हमारा बेडरूम है और पहले जो बेडरूम था वो दोनों का साइज सेम है, 10x11 का। अब देख सकते हैं थोड़ा सा इन्होंने फर्निश करके आपको एक आउटलुक दिया है कि कैसे यहाँ पर होगा। नाउ यू कैन हैव अ लुक एट द व्यू। यहाँ से सनराइज होता है और जो दूसरा बेडरूम है वहाँ से भी हमारा सनराइज होता है। सो इट्स रियली अमेजिंग। वास्तु के हिसाब से यहाँ पर फ्लैट्स जो भी बने हैं वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं। ये जो प्लॉट है यहाँ पे मॉल बनेगा, और वो वहाँ पे जो प्लॉट है वो आईटी प्लॉट है, तो आईटी का मोशन वहाँ पे होगा। यहाँ पर जो आप रोड देख सकते हैं वो हमारी डायरेक्ट कनेक्ट होती है पनवेल साइन एंड यहाँ पे शील फाटा एंड कल्याण के साइड पे कनेक्ट होती है। सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं बेड यहाँ पे सेटअप किया है, साइड में आप साइड यहाँ पे साइड टेबल लगा सकते हैं, आप यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल सेटअप कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल के लिए स्पेस है। प्लस आपको यहाँ पे वार्डरोब यहाँ पे रखा गया है टू गिव यू एन आइडिया कि वार्डरोब स्पेस भी यहाँ पर काफ़ी है। सो ये हमारा बेडरूम है। सो दिस इज़ द टोटल टूर ऑफ 3 BHK। आई होप आपको ये टूर पसंद आया हो। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन कॉल अस। हम आपकी सारे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए विल प्रोवाइड यू। कीप फॉलोइंग अस। आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, सी यू अगेन।